जो न्याय का जो दर्शन है वो ये कहता है कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और शीघ्र हो। तो अगर बहुत दूरस्थ स्थिति जो जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके वातकारी को पूरा का पूरा समय लगा करके आना पड़ता हो इलाहाबाद, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा का पूरा इलाहाबाद के अंडर में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर के और पूरा सहारनपुर वगैरह जितना मेरठ है आप देख लीजिए, गाज़ियाबाद है, इन लोगों की डिमांड ये थी और एक लंबे समय से चली आ रही थी कि मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पेशली एक बेंच हाई कोर्ट की बननी चाहिए। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो उनकी मांग जायज़ थी, क्योंकि ना ना केवल वहाँ के वकील बल्कि जो वातकारी हैं जिनको कि अपने मुकदमे लड़ने होते हैं। आप सोचिए ज़रा से, रात रात भर चल करके वो ट्रेन से आते हैं, उसके बाद वकला साहबान को अपने मुकदमे देते हैं इलाहाबाद में, फिर उनको अपने मुकदमे को परस्यू भी करना पड़ता है क्योंकि पुरानी डिस्पोजल हो। लाखों मुकदमे ऐसे हैं जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है, सैकड़ों मुकदमे ऐसे हैं जो डेली हियरिंग पे लगते हैं लेकिन इन पे सुनवाई हो ही नहीं पाती है। तो जब दो जगह पर ये है तो इसमें तीसरा बेंच अगर खोला जाता तो जजेस की और ज़्यादा कमी, कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाता, कब तक उसका जो डिस्पोजल होता, कब तक उसका ट्रांसफ़र होते, तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। अगर मान लीजिए ये अलाउ हो जाता तो भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत लंबा समय लगता। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक मुझे लगता है, कि इन जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब को सोचा समझा और उसको देख करके उन्हें लगा कि जो व्यवस्था चल रही है उसे फिलहाल चलने दिया जाए। तो मेरी व्यक्तिगत बन रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं पहले उन्हें तो सुधार लिया जाए। आप इस तरीके से सच्ची सोचिए कि अकेले लखनऊ में, अकेले एक फैमिली कोर्ट में 9 जजेस की आवश्यकता है कितने, 3। 3 में से अगर एक का भी ट्रांसफर हो जाता है या मान लीजिए वो रिटायर हो जाते हैं तो अगले जज को आने में कम से कम लगता है 3 से 4 महीना। 24,000 केसेस यहाँ पेंडिंग है जबकि 3 जजेस हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत बहुत ख़राब है, सैकड़ों केसेस पेंडिंग हैं, जजेस हैं ही नहीं, तो आदमी यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति है जिसको मुझे